हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस देव। आई होप आप लोग थोड़ा सा ऑडियो में डिफरेंस जान पा रहे होंगे क्योंकि मैंने माइक में इन्वेस्ट कर दिया है। सो विद दैट आई हैव कंप्लीटेड माय गोप्रो असेंबली। अब मेरे पास माइक है, सो यू विल बी सीइंग बिट ऑफ राइडिंग एंड कमेंट्री वीडियोज एज वेल। बहुत टाइम से एक वीडियो ड्यू थी, काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे कि प्लीज़ देव यार इसका मोटर बाइक का हमें आप टूल किट खोल के दिखाओ। सो मैंने सोचा कि वो करते हैं आज। सो आई बी ओपनिंग द टूल बॉक्सेस एंड टॉकिंग अ बिट अबाउट द मोटर बाइक, कुछ और फंक्शनैलिटीज जो मेरे को अभी रिसेंटली पता लगी हैं। सो एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढते हैं, ये गाय की टोली से आगे निकलते हैं थोड़ा सा और फिर टूल बॉक्सेस और जो हल्की सी और इन्फॉर्मेशन है मोटर बाइक के बारे में उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। सो दिस लुक्स लाइक ए गुड स्पॉट परहैप्स। ऑलराइट, आई थिंक मेरे को अपना जो मोबाइल होल्डर है उसको भी अब कनेक्ट करवा लेना चाहिए, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। एनीवे डबल स्टैंड आ चुका है, सो आई जस्ट पार्क माई बाइक ऑन डबल स्टैंड। ऑलराइट, सो चाबी निकालते हैं एंड लेफ्ट वाले पैनल से शुरू करते हैं। सो एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी इसके बारे में वो ये है कि इसका जो पैनल्स हैं, क्योंकि मैंने एक दो बार इनको खोला है तो बहुत ज़्यादा इजी है खोलना, क्योंकि कुछ बाइक्स में बहुत मुश्किल लगता है इनको खोलना। इट्स दैट्स हाउ इजी इट इज़, एकदम से इसको अनलॉक किया एंड जस्ट कम्स ऑफ। सो आपको लेफ्ट वाले पैनल में ये चीज़ें मिलती हैं, बैटरी जो है वो सीट के नीचे दी गई है, तो यहाँ पर कुछ वायरिंग है बैटरी को कनेक्ट करने के लिए, और आई थिंक कुछ जैसे मोबाइल होल्डर हो गया, मोबाइल चार्जर और कुछ चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। सो दैट्स व्हाट यू हैव ऑन योर लेफ्ट साइड पैनल, जो लेफ्ट साइड का पैनल है टूल बॉक्स का उसमें ये मिलता है। आई पुट दिस बैक अप एंड दैट्स हाउ इजी इट इज टू पुट इट बैक। ऑलराइट, सो दूसरी तरफ चलते हैं, गाय की टोली हमसे आगे निकल गई। सो दूसरी तरफ कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जिसमें कि आपकी फर्स्ट एड किट होगी, आपकी टूल किट होगी और जो मैनुअल यूज़र मैनुअल है वो। सो अब अगर इसको खोला ही है हमने तो मैं आप लोगों को इसकी टूल बॉक्स भी दिखा देता हूँ कि सॉरी टूल किट दिखा देता हूँ कि टूल किट में क्या क्या चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स आई वोंट बी ओपनिंग द फर्स्ट एड किट। सो जो टूल किट है उसमें मिलता है आपको ये सब टूल्स, सो ये सब टूल्स मिलते हैं आपको आपकी जावा के साथ। कुछ दिन बैक फैन, स्पीकिंग ऑफ द टूल्स, एक अभी रिसेंटली मेरे को बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी पता लगी जावा के बारे में, सो उसकी हल्की सी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो जो इसकी हेडलैम्प है वो एडजस्टेबल है, सो इसके नीचे कंपनी ने एक लीवर दिया है यहाँ पे, इफ़ यू गाइस कैन सी, तो इस लीवर को एडजस्ट करके जो अभी टूल्स मैंने दिखाए उनसे ही एडजस्ट हो सकता है। आप जो इसकी हेडलैम्प है उसकी मूवमेंट ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अगर आप लॉन्ग टूरिंग पे जा रहे हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपको थोड़ी सी हेडलैम्प को मूव करना है तो इट्स वेरी इजी, वेरी हैंडी, वेरी गुड जॉब देयर बाय जावा। कुछ नहीं है यहाँ पे, सो इन टूल्स को वापस रख देता हूँ मैं। दैट्स हाउ इट गोज देयर, टूल किट यहाँ गई और यूजर मैनुअल यहाँ पे एंड देन यू जस्ट पुट द बॉक्स बैक अप। अभी यूजर मैनुअल को मैं अपने पास रखता हूँ बिकॉज मेरे को आपको एक दो और चीज़ें बतानी है। ऑलराइट, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आई थिंक मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया है कि अनलाइक अदर रेट्रो मोटर बाइक्स जो आजकल की न्यू एज मोटर बाइक्स हैं, हैंडल बार में आपको की हैंडल लॉक और इग्निशन नहीं दिया, इसकी रेट्रो क्लासिक लुक वैसे ही दी गई है। तो हैंडल लॉक आपको यहाँ पे मिलता है, दिस इज़ द हैंडल लॉक और ये आपका इग्निशन हो गया। सो इग्निशन ऑन करते हैं आप तो आपको ये सब फंक्शनैलिटीज मिलती हैं,
you wait for a few seconds before you self-start it. So उसके अलावा एक अभी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि मैं आपको अभी वो स्क्रीन के ऊपर दे सकूँ स्क्रीनशॉट. तो अभी थोड़ी ओडोमीटर की बात करते हैं. ओडोमीटर में अभी आपको इस टाइम पे 8 अलग अलग इंडिकेशंस मिल रहे हैं. सॉरी ओडोमीटर नहीं, इंस्ट्रूमेंट पैनल जो इसका टोटल है. सो जो सबसे ऊपर है वो है हमारा इंजन कूलेंट टेम्परेचर इंडिकेशन. तो अगर इंजन जो है वो ओवरहीट होता है तो ये वाला जो इंडिकेशन है ये चल जाएगा. इसके नीचे आपको मिलता है ABS का इंडिकेशन. तो ABS का इंडिकेशन ऑन रहता है एज सून एज यू टर्न द इग्निशन ऑन. और जैसे ही आपकी मोटर बाइक की स्पीड 5 या 10 किलोमीटर पर आवर है, आई कैन नॉट रिमेंबर इट वॉज ईदर 5 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, जैसे ही वो उससे ऊपर जाता है तो ABS का जो साइन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है. उससे नीचे आपको मिलता है न्यूट्रल का इंडिकेशन, फिर है माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट, उसके नीचे इंडिकेटर लेफ्ट और राइट, उसके नीचे आपका लो फ्यूल इंडिकेटर, उसके साथ में है हाई बीम इंडिकेशन, उसके साथ में लो बैटरी इंडिकेशन, उसके ऊपर फ्यूल इंडिकेटर गॉज. सो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि ये फ्यूल जो इंडिकेटर गॉज है इसका इज इट करेक्ट या फिर ये कई बार गलत इंडिकेशन देता है. अभी तक जो इसने इंडिकेशन मेरे को दिया दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. उसके अलावा ये वाला जो है ये मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है. यहाँ पे आपको ओडोमीटर है जो टोटल बाइक का किलोमीटर रन है वो मिलता है. उसके अलावा अगर आपका साइड सेल ऑन है तो उसका इंडिकेशन मिलता है. सो दिस इज़ व्हाट वी प्रीटी मच हैव एट द इंडिकेशन पैनल. उसके अलावा लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द थिंग्स दैट आर गिवन ऑन द हैंडल्स, क्या क्या बटन्स हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं. सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो बिकॉज आई हैव स्पोकन अबाउट इट इन माई वीडियोज ऑलरेडी, या फिर आपको वैसे ही पता होगा कि एज सून एज यू टर्न द इग्निशन ऑन, आई एक्चुअली शो यू लाइक दिस. As soon as you turn the ignition on, यहाँ आगे आपको एक पार्किंग लाइट जल जाती है which is very useful, काफ़ी ट्रेंडी भी लगता है. So speaking of that, headlamp on और off करने का बटन नहीं दिया क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं. All you need is high beam and low beam, जो भी आपको चाहिए. High beam और low beam के ऊपर आपको यहाँ पर एक डिपर के लिए बटन दिया गया है. डिपर के अलावा नीचे यहाँ पर हो गया आपका इंडिकेटर लेफ्ट और राइट. इंडिकेटर की मैं दोबारा बात करता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता, इसमें सेंसर नहीं है. सो अगर आप लेफ्ट का इंडिकेटर देते हो और लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन है, फिर आप अगर हैंडल सीधा करते हो वो इंडिकेटर बंद नहीं होता, आपको मैन्युअली बंद करना पड़ेगा. उसके अलावा नीचे हॉर्न मिलता है बिकॉज जावा जो है वो BS6 वेरियंट में आती है. इसका जो हॉर्न है वो सिर्फ सिंगल हॉर्न है, एक तरफ लेफ्ट साइड पर मिलता है, राइट साइड पर कोई हॉर्न नहीं है. सो डुअल हॉर्न नहीं है, एक ही हॉर्न है with sound something like this. Right side की बात करें तो आपको यहाँ पर ignition on और off का बटन मिलता है, उसके नीचे self start. So right side पर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, ignition on and off and self start. That's pretty much what we have. This goes in my pocket now. Can't be bothered getting off the motorbike again and put it back in the toolbox. So, all right. Lock and loaded. अच्छा मेरे पास डबल साउंड भी आ चुका है, आई थिंक आई जस्ट स्पोक अबाउट इट. सो इसकी आवाज़ एक बार सुनते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं और ऑलराइट, रेडी. हाई बीम से लो बीम एंड ऑफ वी गो. सो बाइक को कुछ टाइम चलाने के बाद, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर करने के बाद, इसकी परफॉर्मेंस मेरे को थोड़ी और बेटर लग रही है. थोड़ा सा मेरा हाथ भी जम गया है. बेस्ट पार्ट जो मेरे को मोटर बाइक का जावा का लग रहा है वो ऑफकोर्स हैंडलिंग मैनूवरिंग ही है. बहुत ज़्यादा क्विक है गाड़ी, बहुत ज़्यादा ईजी टू हैंडल है, स्पेशली सिटी में अगर इसको चलाने की बात करें. आई मीन ऑफ रोडिंग की और टूरिंग का मुझे अभी एग्जैक्टली उतना पता नहीं क्योंकि मैंने खुद ही इसको बाहर टेस्ट नहीं किया, बट अगर सिटी की बात करें तो सिटी में इसको चलाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है. सो आज की वीडियो बेसिकली जो थी वो इसका टूल बॉक्स और थोड़ी सी जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है उसके फीचर्स के ऊपर ही थी, क्योंकि स्पेशली टूल बॉक्स की जो रिक्वेस्ट थी काफ़ी दिन से पेंडिंग थी. काफ़ी दिन से लोग मेरे को बोल रहे थे यार आपने आज भी नहीं किया, आपने इस वीडियो में भी वो ओपन नहीं किया, प्लीज़ हमें करके दिखाओ. और जिस हिसाब की मैं वीडियोज़ बना रहा था अभी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी पिछली बुलेट और जावा कंपेरिजन, तो उसमें अगर मैं टूल बॉक्स ओपन करता तो वो ज़्यादा फिट नहीं था और कुछ लोग उसको मिस कर देते. तो इसका उसी हिसाब से
जो थी पूरी की पूरी वीडियो जावा डेडिकेटेड, जावा की फंक्शनैलिटीज के ऊपर. सो दैट्स वाई वो मैं इतना टाइम से कर नहीं पा रहा था. सो उसके अलावा एक और जो चीज़ मैं बोल रहा था वो ये कि अभी पीछे मैंने एक जावा वर्सेस बुलेट वाली वीडियो करी थी, जिसमें जो बुलेट थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी. आई मीन स्पेशली बुलेट वालों को एक अच्छा मौका मिल गया बोलने कि बुलेट लुक्स लाइक पापा एंड जावा लुक्स लाइक बेबी. सो उसी विजुअल्स को करेक्ट करने के लिए मैंने आज एक और वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने दूसरी बुलेट को लिया जो कि ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं थी, क्योंकि जो पहले वाली बुलेट वाली वीडियो थी उसमें जो बुलेट मैंने यूज़ करी है क्लासिक 350, वो थोड़ी सी मॉडिफाइड थी. उसमें अलॉय व्हील्स लगे थे, उसकी सीट के नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा बंदे ने स्प्रिंग लगवाया था, उसी काफ़ी ऊंची लग रही थी, बैकरेस्ट उसे काफ़ी बड़ा था. सो कुछ मॉडिफिकेशंस थी. तो आई जस्ट फाउंड अनदर क्लासिक 350 दैट्स नॉट हैवीली मॉडिफाइड. तो उसका और जो जावा का साइज़ का कंपैरिजन है वो करने के लिए स्पेशली एक और वीडियो बनाई है मैंने. सो उसके कुछ विजुअल्स अभी आप स्क्रीन की साइड पे देख सकते हो, और इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो कि जो जावा है वो बुलेट क्लासिक 350 के मुकाबले उसका साइज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. और स्पेशली अगर आप डायमेंशन की बात करो, डायमेंशंस आई मीन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, तो डायमेंशन भी काफ़ी सेम है. जावा की अगर बुलेट की लेंथ बड़ी है तो जावा जो है वो विड्थ में बड़ी है. कांग्रेस पार्टी का प्रचार हो रहा है. सो उस चीज़ को, वो विजुअल्स को थोड़ा सा और करेक्ट दिखाने के लिए मैंने एक और कंपैरिजन किया. वो वीडियो भी जो है वो आई होप कल या परसों तक मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ. सो दैट वॉज प्रीटी मच इट दैट आई हैड अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड, इफ यू फाइंड इट यूजफुल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन. मैं घर के पास एक पार्क है, वहाँ पर आ चुका हूँ फॉर द इवनिंग जॉगिंग. सो साइनिंग ऑफ नाउ. थैंक यू वेरी मच गाइस. आई विल See you soon.